तो दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आरोग्य सेतु ऐप है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो कोरोना 19 से बचने के लिए, तो वो किस तरीके से काम करता है और क्या इसके फंक्शन हैं और किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से साइनअप किया जाता है और किस तरीके से ये मोबाइल में ये काम करता है और किस तरीके से ये ट्रेस करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये नया चैनल है तो इसे आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की ये नॉलेजेबल वीडियो मैं इसमें डालता रहता हूँ और उससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डाउनलोड किया जाता है और किस तरीके से इसमें अकाउंट क्रिएट किया जाता है और क्या इसके फंक्शन है और क्या क्या इसकी क्या शर्तें रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से ये डाउन। तो दोस्तों फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये किस तरीके से डाउनलोड करना है चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर खोल लेते हैं। प्ले स्टोर खोलने के बाद में सर्च करते हैं आरोग्य सेतु। ठीक है, आरोग्य सेतु, लेकिन ये पहला ही आ गया आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, मैंने इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए ये ओपन दिखा रहा है। ठीक है, आप इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, तो ठीक है, तो इसे और देखिए इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। 4.6 की इसकी रेटिंग है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये, लगभग एक मिनट में दिखाता हूँ, ये बहुत छोटा सा ऐप है, ऐसे करीब को क्या है सर, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ऊपर, तो बहुत छोटा सा है, 3 MB का लगभग समथिंग होगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली इसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए ये, तो लॉगिन करने का तरीका वही है किस तरीके से अपना साइन अप करने का, जो मतलब और एप्लीकेशन में जो तरीका होता वही मतलब इसमें होता। तो मेन चीज़ मतलब ये समझ लेते हैं, देखिए ये दे रहे हैं ये पुनः टेस्ट। ठीक है, मेन चीज़ ये है, तो इसका फंक्शन किस तरीके से ये काम करता वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये दे रहे हैं कि कृपया ध्यान दें कि इस काल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधक एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे दिए गए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब ये पूछ रहे हैं कि कृपया ध्यान दें कि इस काल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे दिए गए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, या इनमें से कोई नहीं, अगर कोई भी अगर ऐसे अगर लक्षण अगर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप मतलब जैसे मान लिया खांसी बुखार या सांस लेने में दिक्कत, तो आप मतलब उस पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए जब कुछ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये अगला पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी नीचे
लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर जो हैं आप मतलब वो उसमें बता सकते हैं, तो कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, अगर की है तो हाँ, नहीं की है तो ना, तो नहीं की है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की है, तो अगर की है तो ठीक है, जो भी आपके मतलब सूटेबल हो वो आप मतलब कह सकते हैं। तो चलिए इनमें से कोई नहीं, फिर क्लिक कर देते हैं। अब ये अगला पूछ रहा है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुसंधान करते हुए कि आपको नोवेच कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसार से बचने के घर पर रहें, यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें, ठीक है। तो अगर समझ गए तो ओके कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा टेस्ट। अब कहने का मतलब ये है, ये इतना सारा ये टेस्ट लेने के बाद में, और कि मतलब कितने टेस्ट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये मतलब ये टेस्ट की क्या मतलब भूमिका है, किस तरीके से ये क्या है, इसे समझने के लिए देखिए डिटेल में जाते हैं। देखिए जब इस पे जब साइन अप जब करते हैं तो मोबाइल के ज़रिए साइन अप होता है, ठीक है, उसका पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है, ये आरोग्य सेतु का, ठीक है। अब ये जो आपने जो टेस्ट जो दिया है, ठीक है, इसी तरीके से किसी और व्यक्ति ने भी दिया होगा उस अपने मोबाइल पर, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करता है, देखिए ये देख रहे हैं, ये जब भी आप ओपन करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन हो जाती है, ठीक है। अब ब्लूटूथ ऑन हो जाने का क्या मतलब है, मान लिया आपने इसमें लिखा कि हाँ भाई मैं जो हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से के संपर्क में आया हूँ जैसे ये महामारी रह चुकी है या थी, ठीक है, या मैंने विदेश यात्रा की है, ठीक है, आपने मतलब ये डाल दिया। अब कोई अदर पर्सन आपके पास आया, ठीक है, उसका भी ब्लूटूथ ऑन है, तो ये डिटेल जो आपने जो मतलब इसमें सबमिट जो की है, ठीक है, वो डिटेल ब्लूटूथ के ज़रिए उसका ऐप जो होगा वो उसे कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के साथ ही वो जो उसका डाटा जो होगा वो गवर्नमेंट यानी जो आरोग्य सेतु ऐप का जो लॉन्चर है उसे मतलब सेंड कर देगा। यदि अगर आपने लिख दिया कि हाँ भाई मैंने ये मतलब ये समस्या रह चुकी है या लक्षण ये हैं मेरे, ठीक है, हाँ कर दिया आपने, तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए वो कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के साथ साथ में एक मैसेज मतलब उसके ऐप के ज़रिए जाएगा, और एक जो आपने अपने नंबर से जो साइन अप किया है तो एक गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट तुरंत ही ट्रेस कर लेगी आपको कि आप किस जगह पर हैं, क्योंकि आपकी इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ में लोकेशन भी ऑन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ों पे फंक्शन करता है, एक तो मतलब ब्लूटूथ के ज़रिए और एक लोकेशन के ज़रिए। तो डायरेक्टली जब गवर्नमेंट के जब सिस्टम पर जब आपका जब मैसेज जब जाएगा आपके ज़रिए तो वो तुरंत ही लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और आपको तुरंत ही मोबाइल के ज़रिए सूचित किया जाएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि मतलब इस तरीके से आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मतलब सतर्क रहें, ठीक है, आपको वो ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो ऐसा नहीं है कि मान लिया किसी के पास मोबाइल नहीं है या उसके मतलब मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप नहीं है
और वो कोरोना पॉजिटिव है और आपके मोबाइल पर है आरोग्य सेतु ऐप, तो मतलब उसे वो ट्रेस करके बता दे, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम जो है वो ऐप टू ऐप है, ठीक है। और ये जो ब्लूटूथ का जो इसमें हिसाब बनाया वो इसीलिए बनाया है कि मतलब आपके संपर्क में, यानी आपके ब्लूटूथ की जितनी रेंज होती है तो उस हिसाब से वो यदि आपके अगर पास में अगर आता है तो मतलब मैसेज आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। और जो आरोग्य सेतु ऐप का जो डाटा है जहाँ पर फीडिंग है वहाँ पर एक मैसेज जाएगा। इस तरीके से ये मतलब ये एप्लीकेशन काम करती है। आप देखिए टेस्ट देने के बाद में लिख के आ गए कि आप सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं समझता हूँ आप मतलब समझ गए होंगे कि इसके ये किस तरीके काम करता है और किस तरीके से इसके फंक्शन है, और कुछ नहीं है। और इसमें ये जो डिटेल जो कॉल हेल्पलाइन, ठीक है, ये दी हुई है या वीडियो वगैरह दी है या मेल वगैरह दिए हैं तो वो इसीलिए दिए हैं। आपको अगर कोई परेशानी है तो आप मतलब कॉल करके या मेल वगैरह भेज के डायरेक्ट मतलब आप संपर्क इन लोगों से कर सकते हैं जो कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यही मतलब फंक्शन है इसके, और कोई ख़ास डिटेल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग मतलब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये आरोग्य सेतु काम करता है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। ये सारी आपको जानकारी इसी वीडियो में मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में अगर डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, अच्छा, नमस्कार।